उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद एनकाउंटर में ढेर हो गया। यूपी के झांसी में एसटीएफ ने उसे मार गिराया। इस दौरान शूटर गुलाम मोहम्मद भी मारा गया। बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर सुनकर अतीक की तबीयत कोर्टरूम में बिगड़ गई। पहले तो अतीक खूब रोया और फिर चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसके बाद अतीक अहमद ने नैनी जेल जाते वक्त कहा कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, वह असद की मिट्टी में जाना चाहता है, इसकी व्यवस्था कराई जाए। बहरहाल अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ असद और गुलाम के एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल उठाने लगा है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे झूठा एनकाउंटर बताया है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने इस एनकाउंटर की जाँच कराने की मांग भी की है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। असद अहमद अपने पिता अतीक अहमद को छुड़ाने की प्लानिंग कर रहा था। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अतीक के काफिले पर हमले का इनपुट मिला था। असद और गुलाम काफिले पर हमले के फिराक में थे। काफिले पर हमला कर अतीक को छुड़ाने का प्लान था।